नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल पर। मैं आपके साथ नीलम। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। अगले सप्ताह पेरिस में होगी एफटीएफ की बैठक, पाकिस्तान को किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट। पीएमसी घोटाले मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जमाकर्ताओं को भरोसा, कहा हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगा जनता दरबार, मंत्री लालचंद कटारिया ने सुनी लोगों की फरियाद, बिजली पानी के मामले आए ज्यादा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप, अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सरकार पर जड़े आरोप। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाली एफटीएफ की बैठक होगी। इस बैठक में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। एफटीएफ की इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट में पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में विफल साबित हुआ है। पाकिस्तान को पिछले साल जून में पेरिस में हुई एफटीएफ की बैठक में ग्रे सूची में रखा गया था और चेतावनी दी गई थी कि अक्टूबर 2019 तक वह आतंकी फंडिंग रोकने की कार्रवाई को अंजाम दे। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान को ईरान और उत्तर कोरिया के साथ ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इस बैठक में इस बात का निर्धारण हो जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। पाकिस्तान का यह बयान तब आया है जबकि वह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके के मद्देनजर समय पर उद्घाटन करने का आश्वासन दे चुका है। एक महीने पहले इस करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लीड कर रहे एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था, पाकिस्तान भारतीय सिखों को 9 नवम्बर से करतारपुर साहिब की यात्रा की अनुमति दे देगा। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करतारपुर कॉरिडोर प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक समय से पूरा होगा, इसका समय पर उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन मैं अभी कोई तारीख नहीं बता सकता क्योंकि अब तक यह तय नहीं हुई है। उन्होंने फिर से आश्वस्त किया कि 12 नवंबर को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर यह गलियारा खुल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएमसी घोटाले में प्रभावित जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई की ओर से नियंत्रित होते हैं, मंत्रालय केस की स्टडी करेगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरबीआई गवर्नर से इस बारे में बात की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा लिया जाएगा। वित्त मंत्री इस बड़े बैंक स्कैम के मामले पर पहली बार सामने आई है। इससे पहले प्रभावित बैंक ग्राहकों ने मुंबई स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा किया जब वित्त मंत्री अंदर मीटिंग कर रही थी। बाद में सीतारमण ने उन्हें राहत देने के लिए वाजिब कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस एनसीपी नेताओं के दौरे के बीच बीजेपी के दिग्गजों की भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सांगली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस और एनसीपी पर तीखे सवाल दागे। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में 5 अगस्त से 5 अक्टूबर तक एक भी गोली नहीं चली। उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से आर्टिकल 370 पर अपना रुख साफ करने को कहा। शाह ने कहा, अगर एक भी भारतीय जवान शहीद हुआ तो 10 दुश्मन मारे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में धड़ाधड़ फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यूपी में सरकार राम राज्य की बात करती है जबकि यहां राम राज्य नहीं नाथूराम राज्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में सपा पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने की योजना बना रही है। इस न्याय यात्रा की शुरुआत उपचुनाव के बाद ललितपुर से की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के परिवार से मुलाकात करने के ये अखिलेश झांसी आए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष मुतैयुर रहमान खान बबलू ने सपा सांसद आजम खान और उनके विधायक बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कहा है कि सांसद उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इसके लिए कुछ दिन पहले लखनऊ से लौटते समय शाहजहांपुर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी सांसद ने कराया था जिसमें वह बाल बाल बच गए। एसपी को दी तहरीर में पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा है कि वह सांसद और उनके बेटे के विरुद्ध मुकदमों और भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए शिकायत करते रहे हैं। इससे सांसद और उनके पुत्र मेरे से रंजिश रखते हैं, अपने लोगों से मुझे धमकियाँ दिला रहे हैं। चचेरे भाई का इंतकाल, वो लगातार पिछले काफ़ी दिन से बीमार थे, होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट थे। 6 तारीख की 4 बजे 5 बजे उनका इंतकाल हो गया वहाँ और उनका जनाजा रामपुर में लेकर लाया गया। घर वालों ने मुझे नहीं बताया और सारे घर वाले
यहाँ से लगभग चले गए थे। मैं अकेला इसी बेड पे इधर लेटा था, मैं पढ़ा था। एक शख्स आया और उसने आके मुझे धमकाया और कहा कि तुमने आदम खान से टकराने का नतीजा देख लिया और आइंदा टकराओगे तो इसी तरह अब बचोगे भी नहीं अगली बार। इस तरह मुझे धमकाया। मैं थोड़ा गुनूदगी भी था, नींद का नशा, इंजेक्शन, जो दवाइयाँ चल रही हैं मैं उसको समझ भी नहीं पाया। वो निकल के चला गया करीब 11:30 बजे। तब तक मैंने इधर उधर लोग आए, मैंने कौन था क्या था, चुके यहाँ तो टहल पर रहते। उसके बाद मैंने 7 तारीख को एक तहरीर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को और तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, सब लोगों को दी है कि मुझे यह आशंका है कि मोहम्मद समाजवादी सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और अन्य साथ में जो उनके और लोग हैं उनकी इसमें साजिश लगती है इस एक्सीडेंट में और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में फिर से जनता दरबार लगा। पीसीसी में मंत्री लालचंद कटारिया ने लोगों की फरियादें सुनी। जनता दरबार में चुनिंदा कांग्रेसी ही पहुंचे। मंत्री दरबार में पानी, बिजली, सड़क और कृषि विभाग के मामले सबसे ज्यादा आए। वहीं कुछ लोग तबादलों की फरियाद लेकर भी आए। जनता दरबार में पुखराज पराशर और महेश शर्मा भी मौजूद रहे। पीसीसी में यह मंत्री दरबार करीब 3 घंटे तक चला। पानी की समस्या है, कहीं नया बोरिंग करवाना है, उसके NOC नहीं मिल रही, कहीं जमाबंदी की समस्या है किसान की, कुछ प्रमाण पत्रों की समस्या है हमारे नौजवान साथियों की, तो ये जो रोज़मर्रे की जो समस्या है उसके बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं और उसके साथ कुछ स्थानांतरण के भी हैं कि साहब कैंसिल करवा दो। हाँ, ये भी समस्या है। तो ये प्रकरण चल रहा है, जनसुनवाई चल रही है सुबह से। और सरकार और संगठन ने एक ये जो पहल की है राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए, आमजन के लिए, ये जनसुनवाई करके, क्योंकि आमतौर पे शिकायत रहती है कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ताओं को भी रहता है कि हमारी कुछ नहीं हो रही, हमारे कुछ काम है वो नहीं हो रहे, तो इसके लिए संगठन ने और सरकार दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से पहल की है और आने वाले समय में अच्छे परिणाम रहेंगे, मैं तो ये मानती हूँ। पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सतीश पूनिया ने कहा कि इस बार प्रदेश में मानसून मेहरबान रहा। प्रदेश में अधिक वर्षा होने से किसानों की फसलों में बहुत नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए कि वो फसलों की गिरदावरी करा करके किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर मालपुरा और अन्य सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो एक विशेष वर्ग को छूट मिल जाती है और बहुसंख्यक समाज डरा और सहमा हुआ रहता है। मैं लगभग 1.5 दर्जन जिलों में गया और इस दौरान खास तौर पर कोटा डिवीजन, चित्तौड़ और उदयपुर का कुछ हिस्सा और शेखावाटी के कुछ जिले, वैसे तो इस 10 महीने की सरकार में बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा अक्सर मीडिया में, आमजन में, राजनीतिक हलकों में होती है, लेकिन किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार और उसमें भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जो हालात से उससे मैं खुद रूबरू हुआ। इस बार कई जिलों में, कई संभागों में ये तो ठीक था कि बारिश सामान्य से, औसत से ज़्यादा हुई, लेकिन बहुत विलंब से ज़्यादा बारिश होने से सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ी तो वो तबका, किसान तबका था, अतिवृष्टि के कारण 1 दर्जन से भी ज़्यादा जिलों में और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कोटा संभाग, जिसमें सोयाबीन की फसल पूरे तरीके से नष्ट हो गई।
राजस्थान रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उतर आया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और उसके कर्मचारी प्रदेश भर के डिपो मुख्यालय और बस स्टैंड पर दो दिन से धरना दे रहे हैं। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी रोडवेज कर्मचारियों का धरना जारी है। रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने के जरिए कर्मचारी सातवें वेतन आयोग सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। के पदाधिकारियों की माने तो सरकार अभी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। हाँ, ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि जब हमारी हड़ताल चल रही थी पिछले साल, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब और खाचरियावास साहब, जो आज यातायात मंत्री, दोनों आए थे और दोनों ने ये कहा था कि भाई जो वसुंधरा सरकार, इनकी हड़ताल चल रही है लेकिन मजदूरों की कोई बात नहीं सुन रही है, अगर हमारी सरकार आई तो हम इनका सकारात्मक निवारण करेंगे। लेकिन अभी 10 महीने व्यतीत हो चुके हैं इस सरकार ने, और सचिन पायलट साहब ने हमें मिलने का समय तक नहीं दिया है। इसलिए हमारे 10 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। ये धरना यही नहीं, पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है, हर इकाई पर धरना दिया जा रहा है। और 17 अक्टूबर को टोंक में सचिन पायलट महोदय ने जो यहाँ वादा किया था उसको याद दिलाने के लिए प्रदेश स्तरीय रैली होगी, जिसमें जैसलमेर से भरतपुर, झालावाड़ से गंगानगर, बांसवाड़ा से अलवर, सभी आगार के लोग, वहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चाहे सेवारत हो, वो सब पहुँचेंगे और एक विशाल रैली वहाँ निकाली जाएगी जिनको इनका वादा याद दिलाया जा सके। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में शुरू हुआ। खराब रोशनी की वजह से 5 ओवर पहले ही दिन का खेल खत्म कर दिया गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए। विराट कोहली 63 और अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से पहले दिन के हीरो मयंक अग्रवाल रहे। मयंक ने 108 रन की शतकीय पारी खेली। इसी के साथ वह लगातार 2 सैकड़ा जमाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे ओपनर बन गए। आज टेस्ट मैच के पहले दिन भारत को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा 14 रन बनाकर तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा के शिकार बने। रोहित के आउट होने के बाद मयंक और पुजारा ने भारतीय पारी को संभाला और दोनों के बीच 138 रन की साझेदारी निभाई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ द एंगल पर। नमस्कार।